सकता कि स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस कितनी ज़रूरी है मौजूदा टाइम के अंदर? देखें, मौजूदा टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी कोई भी है ना, स्पेस तो टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है, वो ऐसे ज़रूरी है जैसे कि सुबह उठ के आपका मुंह धोना। अच्छा, फॉलो करें, क्यों क्यों ज़रूरी है? अच्छा क्वेश्चन है आपका। मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है। मुसलमानों के अलावा मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ सर, हम इतने अनसिक्योर क्यों? दुनिया में अगर देखेंगे तो हमारा मजहब सबसे ज़्यादा फैले जाने वाला मजहब में से है। अगर आप देखेंगे, हम हर एक मजहब को काटते हुए आ रहे हैं और दुनिया के नंबर वन में भी जा रहे हैं मजहब के लिस्ट में। 2030 या 40 तक दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा इस्लाम, लेकिन फिर भी हम इतने इनसिक्योर हैं मजहब को लेकर। क्या कहेंगे, क्या ये सारी मजहब को गिराने के लिए काम हो रहे हैं कि वो स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में इंडिया चांद पर चला गया, $5 trillion की इकॉनमी बना ली? क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल सी, हम कहते हैं इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, लेकिन जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफ़गान जिहाद में बिजी थे, देखें मजहब की जो अहमियत है वो अपनी जगह पे है और वो बिल्कुल होना चाहिए। यही लोग सर्दियों, गर्मी हो, गर्मियों में सर्दियों में जाके सड़कें एक एक रात क्या बना देते हैं। हमारे पाकिस्तान ही बनाते, कोई और नहीं बनाता, मेहनती कौम है। ऑल वी नीड इज़ अ प्रॉपर डायरेक्शन, नाइस लीडरशिप। पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता। कश्मीरियों को भी उनका हक मिलना चाहिए, पैलेस्टाइन को भी उसका हक मिलना चाहिए, ये तो फैक्ट है। लेकिन हम लोग कैसे आवाज़ उठाएं उनके लिए? जब हम लोग यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगे तो उनके लिए आवाज़ कर पाएंगे, जब तक नहीं करेंगे तो वो हम सॉरी इसी तरह इस तरह की हेल्प लेनी चाहिए लाजमी। ये अच्छी बात है, हेल्प लेनी चाहिए और पॉजिटिव हेल्प लेनी। अगर हम मौजूदा टाइम के अंदर हम कश्मीर पिट तो रहे हैं, लेकिन हमारी उतनी वैल्यू है नहीं, दुनिया हमें मुंह नहीं लगाती, दुनिया हमारी बात सुनती नहीं है। आपको नहीं लगता कि पहले उस काबिल हो जाएं, कश्मीर को लेने के काबिल हो जाएं? मुल्क के हालात इस टाइम, हम कर्जे में डूबे हुए हैं, अभी फिर IMF के पास हम जा रहे हैं और हम UN के पास जाएंगे कि भाई कश्मीर हमें, तो इंडिया कहेगा कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया ने पूरे कश्मीर को डेवलप कर दिया। अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको बेसिकली याशी करना कहते हैं, और उनकी याशी का लेवल देखेंगे वो किस लेवल की कर रहे हैं कि वो चांद पे जा रहे हैं, तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये चीज़ें ये भी शो करती हैं कि कंट्री की जो इकॉनमी है ना, वो वाकई मतलब कि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज हो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर जुए लगाते हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है। आप देख लें, एप्पल हो गया, अगर गाय ज़िबा कर दें या कोई भी काम कर दें, जबकि मुनाफ़त की ये हद है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर इंडियंस ही हैं गाय के। मिडल ईस्ट में मार्केट देख लें, वो अपनी काउज, अपनी बफेलोज वहाँ भेजते हैं, मुसलमानों को क्यों ऐसे कर रहे हैं? एक बात है सर, अगर गायें उनके लिए महजब है, हमें इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि तुम गायें ज़िबा करोगे, तुम गोश्त खाओगे तब भी तुम अच्छे मुसलमान होगे। सर, मैं गोश्त नहीं भी खाऊंगा, मैं फिर भी मुसलमान हूँ। आप नहीं खाएंगे फिर भी, अगर एक को बुरा लगता है माशरे में जिस चीज़ से इंतजार फैल रहा है, उस चीज़ से परहेज़ करो। इस्लाम भी तो ये कहता है कि तुम अगर किसी को बुरा लगती चीज़ तो उसके सामने ना करो। पर बस एक सर्च एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा कि अमेरिका ने एक ना तारीख में जो ना होने वाली चीज़ की, इंडिया को फंडिंग भी किया $6.1 billion की, उसके बाद इंडिया से वादा किया है कि भाई 2024 के अंदर हम इंडियन एक बंदे को जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के रिसर्च के लिए भेजेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 के अंदर हम स्पेस सेंटर भी बनाएंगे इंडिया के अंदर। क्या वजूहत है कि इंडिया, अमेरिका के इतने इंटरेस्ट इंडिया के अंदर क्यों शो करवा रहा अपना, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकती हैं? इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह के इंटरेस्ट शो ऐसे ही करवाए जाते हैं, जैसे कि अब जैसे इंडिया को देख लें, इंडिया ने अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इसको बेसिकली याशी करना कहते हैं, और उनकी याशी का लेवल देखेंगे वो किस लेवल की कर रहे हैं कि वो चांद पे जा रहे हैं, तो इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये चीज़ें ये भी शो करती हैं कि कंट्री की जो इकॉनमी है ना, वो वाकई मतलब कि स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, और जहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकॉनमीज हो वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर जुए लगाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आती है। आप देख लें, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला ही उनके वहाँ पे आ रहे हैं, तो ये सारे उसी के आउटकम्स हैं जो अपनी वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हो आप एक स्पेस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर हम कंपैरिजन करें, पाकिस्तान को भी देखें, इंडिया को भी देखें, तो दोनों मुल्क कहाँ रिलाई कर रहे हैं इस टाइम, मौजूदा टाइम के? हमारी जो स्पार्क है वो माशाल्लाह आजकल प्लॉट्स लेने और देने वाला काम शुरू किया उसने, हालांकि उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था। इवन की जो स्पार्क की हिस्ट्री है वो ISRO से भी पहले की है, लेकिन वहाँ पर फिर जो काबिल बंदे नहीं आए, आप देख लें वहाँ पर FA पास, BA पास, ये सारे अब मतलब कहते हुए डर भी लगता है, ये सारे जर्नलों को उन्होंने उसके ऊपर बिठाया हुआ है, जबकि वहाँ पे देख लें हमेशा क्वालिफाइड बंदा ही जो इसरो उसका हेड होगा, तो रिजल्ट फिर ऐसे ही होगा जैसे हेड ऊपर बैठा होगा। बिल्कुल सही होगा। चांद पर भी चला गया इंडिया, आपने जिस तरह से बताया कि वो रिसर्च करते हैं, वो चांद पर भी जाते हैं, एक दफ़ा गया नाकाम हो गया, दूसरी मरतबा गया ट्राई की
तीसरी मरतबा फुल टाइम कामयाब हुआ। हम मजाक उड़ाए नाकाम होने के ऊपर, क्या हम यही काम के लिए बचे हैं कि बस वो गया तो ठीक, नहीं गया तो हम यहाँ पर नाकाम, उसके खुशियाँ मनाए कि वो नाकाम हुआ। इंटरटेनमेंट का लेवल होता है ना, हमारी इंटरटेनमेंट ये है कि अगला किसी के साथ कोई मिस है पो तो हम उसको देख के इंजॉय करें, क्योंकि हम खुद तो कुछ करने के काबिल है नहीं। और इसमें अब अगर कहें कि आवाम का कसूर है तो आवाम का कसूर फिर भी कम है, आवाम की ट्रेनिंग इस किस्म की गई है। ये तो जो बड़े ऑफिशियल जो आला उदों पर बैठे उनको सोचना चाहिए कि वो भाई किधर पहुंच गए और आप लोग क्या करते फिर रहे हैं। और बाकी आवाम है उसने अपनी एम्बेरसमेंट को ख़त्म करने, एम्बेरसमेंट ख़त्म करने का यही तरीका होता है ना, अगले का मजाक उड़ाना शुरू कर दो, क्योंकि इसके लिए बहुत नहीं कर सकते तो बहुत गट्स चाहिए होते हैं कि सच को तस्लीम करें और उसके काउंटर में आप परफॉर्म करके दिखाएँ। तो उससे ईजी है कि मजाक उड़ा लो, बात खत्म। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा आपसे या आपको इजाज़त दूंगा मैं। क्वेश्चन ये है कि जो कि चाइना के अंदर से अभी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की सारी उठकर इंडिया शिफ्ट हो रही है, इंटेल देख लो आप, उसके बाद टेस्ला देख लो, उसके बाद $3.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो उठकर इंडिया चली गई है, कैसे देखते हो आप, क्यों जा रही है? आप देखें ना, जो इस टाइम जो सारा एशिया है उसका जो जायंट है वो कौन है, या चाइना या फिर इंडिया एमर्ज होकर आ रहा है। और चाहे जो अमेरिका उसके इंटरेस्ट कैसे मैच करते हैं इंडिया से, वो भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, ये भी कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, तो इस हिसाब से इंडिया उनको ज़्यादा प्रेफरेबल नज़र आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। और दूसरे कि इंडिया की जो पॉलिसी ना वो बड़ी न्यूट्रल है, चाहे वो कोल्ड वॉर ले लें आप, चाहे उसके बाद जो क्या कहते हैं जब भी कोई इश्यूज़ बने, उन्होंने NAM साइन किया, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम ना रशिया के साथ ना अमेरिका के साथ, बड़े वो न्यूट्रल होकर चलते आ रहे हैं। इसी हिसाब से हर कंट्री उनको देखती है कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल सही। थोड़ा सा आप आगे आइएगा, आपसे मैं पूछूंगा कि स्पेस के बारे में, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस कितनी ज़रूरी है मौजूदा टाइम के अंदर? देखें, मौजूदा टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी कोई भी है ना, स्पेस तो टेक्नोलॉजी का एक सेगमेंट है, वो ऐसे ज़रूरी है जैसे कि सुबह उठ के आपका मुंह धोना। अच्छा। फॉलो करें, क्यों क्यों ज़रूरी है? अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि इस वक्त साइंस के बग़ैर किसी भी कौम का या मुआशरे का सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। सर हम तो कहते हैं जहाद करेंगे हम। नहीं, हम तो नहीं कहते साइंस के अलावा। देखें, हम नहीं कहते, जो कह रहे थे वो भी अब अफगानिस्तान में मान के बैठे हैं कि नहीं जहाद नहीं, टेक्नोलॉजी। अब देख लें, चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है अफगानिस्तान में, कोई भी कर रहा है, मतलब देखें हमें इंसान क्या कर रहा है, इंडिया कर रहा है, हमें बेसिकली इंसान की तरक्की चाहिए। हमें यह नहीं मसला होना चाहिए जी इंडिया क्यों कर रहा है या चाइना क्यों कर रहा है या अमेरिका क्यों कर रहा है, मतलब कोई भी करे, बेसिकली वी वांट फ्रीडम, वी वांट प्रोग्रेस फॉर ह्यूमन काइंड। अब मेरी इंग्लिश इतनी सी है बस, बाकी मैं पंजाबी या उर्दू में आप कहेंगे तो मैं ईजिली आपको बता दूंगा। अपनी लैंग्वेज के अंदर ही बंदे को अबूर होना चाहिए और प्राउड होना चाहिए कि भाई हमें अपनी जुबान बहुत अच्छी आती है। मैं फिर पंजाबी स्टार्ट कर लेना जी। अच्छा फिर ठीक है, मतलब अगर आप अपनी ज़ुबान की बात करें। अच्छा, अब आप क्वेश्चन कर रहे थे स्पेस साइंस पे। अच्छा, स्पेस साइंस पे पाकिस्तान में एक इदारा है, आपने देखा होगा किनार रोड पे, स्पार्को, उसका किसी दौर में होल था डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के पास, जो पाकिस्तान के वाहद गोल्ड में नोबेल प्राइज़ होल्डर है। तो उस दौर में आप देख रहे हैं कि वो उनकी चढ़ाई कैसी थी स्पार्को की, और उसके बाद देख लें स्पार्को में जो आपने अपने बरगदीदा बंदे बिठाए हैं उनके साथ देख लें कैसा है। और दूसरी तरफ पहले, हाँ टेक्नोलॉजी पे आप बात कर रहे थे, आगे मैं सुन रहा था, इंडिया में पहले वज़ीर तालीम थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, मुसलमान थे जी। तो उन्होंने एक स्टार्ट किया था अदारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 1958 तक उसकी तकरीबन 50 से ज़ायद शहरों में उसकी ब्रांचें बन गई थी। उसका रिजल्ट जो आया वो अभी 40 साल के बाद आया जब वहाँ पे टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई है। अभी आप लोग कहते हैं जी वो माइक्रोसॉफ्ट का जी CEO वो इंडियन बन गया जी, गूगल का CEO, यूट्यूब का CEO, और जितनी बड़ी बड़ी IMF का उसका जो चीफ है वो, उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक जिससे कर्जा लेते हैं भाई, कितने के 90 से ज़्यादा कंपनीज के अमेरिकन कंपनी के CEO इंडियन है। वो देखिए उसकी वजह ये है ना कि टेक्निकली उनको स्ट्रॉन्ग किया गया है। अच्छा, जब वो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना रहे थे ना, तब हम अफगान जिहाद में बिजी थे, देखें मज़हब की जो अहमियत है वो अपनी जगह पे है और वो बिल्कुल होना चाहिए, मतलब मज़हब एक बाउंड्रीज देता है जिसके अंदर रह के कोई भी बंदा इजीली अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। और अगर मज़हब ना होता तो शायद यही लोग जो आपको इंसान बने नज़र आ रहे हैं, इन पर कोई कानून लागू ना होता तो यही हैवान बने होते, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, लेकिन जो दूसरी तरफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, उसका तो हमें कुरान में भी बारहा कहा गया कि आओ खोज करो मेरे ज़मीन पर, मेरी कायनात पर, अल्लाह में खुद कहते हैं कि खोज निशानियाँ हैं, मतलब निशानियाँ अकल वालों के लिए, उसके लिए सोचना पड़ेगा, सोचने के लिए थोड़ी सी मेहनत होती है, मेहनत के लिए
बस लोग राजी नहीं है, बाकी तो काम कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या हम सही मुसलमान हैं? अगर हैं तो मुसलमान, सही मुसलमान होने का मतलब ये कि डेवलपमेंट, सही मुसलमान होने का मतलब है सांस में तरक्की, सही मुसलमान होने का मतलब है यहूदी को भी, ईसाई को भी, हिंदू को भी एक्सेप्ट करना, उसको भी इजाज़त देना कि भाई इस मुल्क के अंदर ये मुल्क जितना एक मुसलमान मेरा है उतना तुम्हारा भी है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? आपकी बात बड़ी अच्छी है, क्या हम सही मुसलमान हैं भी या नहीं? तो मुसलमान सारे सही होते हैं। अच्छा, क्योंकि किसी का भी जो नज़रिया है ना वो उसे गलत नहीं मानेगा, वो ठीक ही होता है बकौल उसके। के बाद इस्लाम कंटेमिनेट होता है जब ये आता है हमारे नाम निहाद मुल्ला के हाथ में, फिर वो जिधर चाहता है इस्लाम उधर चलता जाता है, चलता जाता है। और अब जो चलते चलते उसकी ये हालत इतनी बिगाड़ चुका है कि अब भी हैं ठीक बंदे, उसके लिए भी बात मेरी वही है कि आपको फिर से मेहनत ही करना पड़ेगी उसकी तरफ आने के लिए। तो ऐसे बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि भाई किस तरह से किन को फॉलो करना चाहिए, इस्लाम क्या है और हम क्या फॉलो कर रहे हैं, हम कैसे मुसलमान हैं, बहुत अच्छी तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया। और साइंस एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को भी इन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच ब्रो, वेरी नाइस टू टॉक विद यू। बात करने का पर्पस ये कि नासा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, नासा ने ये कहा है कि 2024 के अंदर एक इंडियन को, एक इंडियन जो एस्ट्रोनॉट को हम खला में भेजेंगे, स्पेस के अंदर भेजेंगे, तो उसके लिए वो स्पेस सेंटर भी बनाने लगे हैं, स्पेस सेंटर इंडिया के अंदर बनाने लगे हैं। इसके अलावा भी अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी शिफ्ट हो रही हैं चाइना टू इंडिया। इसके अलावा अगर मैं बताता चलूँ तो $1.6 बिलियन की फंडिंग की है तारीख में पहली मरतबा अमेरिका ने इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से कितने अमेरिका के इंटरेस्ट इंडिया की तरफ क्यों होते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सिंपल सी बात है, इंडिया एक लार्जर मार्केट है, डेमोक्रेसी अब से नहीं शुरू से है हमारे, ऑन एंड ऑफ फ्रॉम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है रहा है, ठीक है ना। आप देखें ना, मिलिट्री भी हुआ है, डिक्टेटरशिप भी हुई है, हम लोगों ने फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी को तो चांस दिए नहीं, मिला भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब नई दुनिया है, सिंपल सी बात है, मार्केट जहाँ होगी अमेरिका की मार्केट फॉर अ लॉट ऑफ रीज़न, चाइना का काउंटर करने के लिए वहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है उसकी आबादी हमसे 3 गुना ज़्यादा है, तो उसकी मार्केट है, डॉलर रूल, सिंपल सी बात है, जहाँ आपका प्रोडक्ट बिकेगा ज़्यादा या आप समझते हैं वहाँ बंदा जाएगा। आपकी क्या राय है इसमें? मेरे ख्याल में वो मुसलमानों पे अपनी डोमिनेशन कायम करना चाहते हैं, मेरा तो यही ख्याल है, मुसलमानों के अलावा मैं और कोई नहीं कहना चाहता। हाँ, हम इतने अनसिक्योर क्यों हैं दुनिया में? अगर देखेंगे तो हमारा मजहब सबसे ज़्यादा फैले जाने वाला मजहब में से है। अगर आप देखेंगे हम हर एक मजहब को काटते हुए आ रहे हैं और दुनिया के नंबर वन में भी जा रहे हैं मजहब के लिस्ट में, 2030 या 2040 तक दुनिया का पहले नंबर पर आ जाएगा इस्लाम। लेकिन फिर भी हम इतने इनसिक्योर हैं मजहब को लेकर, क्या कहेंगे? क्या ये सारी मजहब को गिराने के लिए काम हो रहे हैं कि वो स्पेस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी में इंडिया चांद पर चला गया, $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बना ली, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सिंपल सी हम कहते हैं इस्लाम सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला दीन है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान इकट्ठे अब तक नहीं हो सके, जिसकी भी हमारी है गलती, हमारी है, अमेरिका और इंडिया पर डाल रहे हैं वो। सिंपल सी बात है, हम अपना घर पहले ठीक करें फिर दूसरों को देखें। हम लोग एकदम नहीं है, हम लोग हम यूनाइटेड नहीं है, हम दूसरों को हम क्या ब्लेम करें। हम अफसोस की बात है, अब ये चीज़ होगी कि इस मस्जिद में ना जाओ, उस मस्जिद में ना जाओ, ये फिरका वो फिरका, यार हमारे नबी पाक ने ऐसी कोई चीज़ नहीं हमें सिखाई। हमें मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, दैट्स इट। जिस दिन हम लोग ये रियलाइज करेंगे उस दिन हम उठ खड़े होंगे। Exactly. क्या कहेंगे अंकल पैसे, एक मिनट, पैसे और पावर के लिहाज से, आज इकोनॉमिकल लिहाज से कौन सा मुल्क ज़्यादा मजबूत है? क्या हम इंडिया को डिफेंड कर सकते हैं? क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं आईटी के अंदर, अगर मैं बात करूं स्पेस के अंदर, अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकल लिहाज से, जीडीपी के लिहाज से, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हम। अमेरिका और चाइना इस लिहाज से मजबूत है और हम बहुत पीछे हैं। जी बिल्कुल। हमने एक साथ सफ़र किया, शुरू किया सर, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। आज आप इंडिया को देख लें सर, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना ली है, पूरी दुनिया के अंदर अपना सिक्का जमवा लिया, मनवा लिया अपने आप को कि भाई हम एक मुअज़्ज़ब कौम है, हम बहुत बड़े कौम हैं। उनके लीडर्स आते हैं, उनके लिए हमारे पास क्या ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम इंडिया का भी मुकाबला नहीं कर सकते? हम नियत के, असली में हमारा पेट जो नियत है ना, नियतों के फतूर है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, मौसम हर चीज़ यहाँ है, रिसोर्सेज हमारे पास है, एक चीज़ जो लैक है वो शुरू से है वो लैक ऑफ लीडरशिप है और सिंसियरिटी है। हम लोग कहते रहते करप्शन, अफसोस की बात है कि जितने इदारे हो गए, आपके पास FIA हो गए, आपके पास एंटी करप्शन हो गया, आपके पास NAB हो गए, हज़ारों इदारे यार, एक में मर्ज करो, खर्चा कम करो और जो लोग हैं उनको सही लटकाओ यार,
फिर पाकिस्तान को देखो कैसे कोई रोक सकता है। ईमानदारी नहीं दिखाते हम सही तरह। सर क्या कहना चाहेंगे सर्च एंड आईटी के अंदर जिस तरह से इंडिया काम कर रहा है, जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा है, वो क्या कहेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर इंडिया का फ्यूचर क्या किधर देखते हैं हम इसी तरह प्रोग्रेस करता रहा? देखिए इंडिया अब जो प्रोजेक्टेड है इन टर्म्स ऑफ आईटी सेक्टर या इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, तो वो सेकेंड टू थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कुछ सालों में हो जाएगा। ठीक है, 24 के अंदर बन जाएगा तीसरी बड़ी इकोनॉमी। देखिए ना, तीसरी बड़ी इकोनॉमी। पाकिस्तान को इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग अपने घर को इन ऑर्डर करना चाहिए। आई एम लेट मी जस्ट से ब्रुनाई छोटा सा मुल्क है, सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, ताइवान हांगकांग छोटे छोटे से है, लेकिन उनका GDP देख लो। पाकिस्तान बेशक छोटा है लेकिन हमारे पास पोटेंशियल बहुत है, प्रोवाइडेड हम उसको सही तरह इस्तेमाल करें। हम लोग किसी से कम नहीं है, हमारे यही लोग सर्दी हो गर्मी हो, गर्मियों में सर्दियों में जाके सड़कें एक एक रात क्या बना देते हैं, हमारे पाकिस्तानी बनाते, कोई और नहीं बनाता, मेहनती कौम है। ऑल वी नीड इज़ अ प्रॉपर डायरेक्शन, नाइस लीडरशिप, पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, सिंपल एज दैट। सर ये लीडरशिप को हम वेट करते करते 76 साल गुजर गए, अभी तक हमारे पास कोई लीडर नहीं आया। हमने बीच में बहुत सारी गलतियां भी की, 71 में हमारे से हमारा जिसे हम कहते थे हमारी शहर आ गया, हमारा अटूट अंग है, बांग्लादेश भी हमसे अलग हो गया। सर हम खामियां गलतियां क्यों अपने गलतियां भी करते हैं और गलतियों पर डट भी जाते हैं, गलतियां भी नहीं मानते, हम कहते हैं हम सबसे अब बहादुर हैं, हम सबसे पावरफुल हैं। जब हमारे अंदर मैं या हम ख़त्म हो जाएगा ना और हम सब कलेक्टिवली हो जाएंगे कि यार हम सब एक हैं, उस दिन आप ख़त्म हो जाएगी ये सारी चीज़ें। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे यार छोड़ दो, ये पठान है, ये सिंधी है, ये बलोची है, बाज आ जाओ पाकिस्तानी बनो यार। कोर्ट और फौज सही हो जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा। बिल्कुल एग्री करते हैं यार, अल्लाह करे कि हम लोग जल्दी से एक हो। जहां इंसाफ होता है तरक्की उधर होती है। इंसाफ सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमें अपने पड़ोसियों के साथ हालात बेहतर कर लेने चाहिए, अपने हमसाइयों के साथ इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? आज के ये टाइम वॉर का है या दुश्मनियाँ रखने का है या ट्रेड करने का टाइम है? यार देखें, अगर आप सऊदी अरब की भी मिसाल देखें, वो इसराइल के साथ तस्लीम ऑलमोस्ट करने लगा था, UAE ने तो कर लिया है। ठीक है ना, ऐसे फारसी ताल्लुकात हैं, ठीक है। अब कश्मीरियों को भी उनका हक़ मिलना चाहिए, पैलेस्टाइन को भी उसका हक़ मिलना चाहिए, ये तो फैक्ट है। लेकिन हम लोग कैसे आवाज़ उठाएं उनके लिए? जब हम लोग यूनाइटेड फ्रंट पेश करेंगे तो उनके लिए आवाज़ कर पाएंगे, जब तक नहीं करेंगे तो वो हम सॉरी इसी तरह इस तरह की हेल्प लेनी चाहिए लाजमी। ये अच्छी बात है, हेल्प लेनी चाहिए और पॉजिटिव हेल्प लेनी। अगर हम मौजूदा टाइम के अंदर हम कश्मीर पिट तो रहे हैं लेकिन हमारी उतनी वैल्यू है नहीं, दुनिया हमें मुँह नहीं लगाती, दुनिया हमारी बात सुनती नहीं है, आपको नहीं लगता कि पहले उस काबिल हो जाएं, कश्मीर को लेने के काबिल हो जाएं? मुल्क के हालात इस टाइम हम कर्जे में डूबे हुए हैं, अभी फिर IMF के पास हम जा रहे हैं और हम UN के पास जाएंगे कि भाई कश्मीर हमें, तो इंडिया कहेगा कि भाई वहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिया ने पूरे कश्मीर को डेवलप कर दिया 370 के आर्टिकल के बाद। आप कश्मीर की पूरी आप वो निकाल के देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिएगा, आप हैरान रह जाएंगे। वो कहेगा भाई UN के अंदर कहेगा मैंने ये किया आपने क्या किया, हमारे वहाँ पर कश्मीर में तो धरने हो रहे हैं, हमारे कश्मीर में तो आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं, चीनी के लिए लाइनें लगी, इन सब के बावजूद क्या वो हमारे सर हमारे पास आना चाहेंगे इंडिया को छोड़कर? लेकिन जहाँ तक आज़ादी की बात है इंडिया में मुसलमानों को ओवरऑल फ्रीडम नहीं है। आप अगर गाय ज़िबा कर दें या कोई भी काम कर दें, जबकि मुनाफ़त की ये हद है, बिगेस्ट एक्सपोर्टर इंडियंस ही हैं गाय के, मिडल ईस्ट में मार्केट देख लें, वो अपनी काउज अपनी बफेलोज वहाँ भेजते हैं, मुसलमानों को क्यों ऐसे कर रहे हैं? एक बात है सर, अगर गायें उनके लिए महजब है, हमें इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि तुम गायें ज़िबा करोगे तुम गोश्त खाओगे तब भी तुम अच्छे मुसलमान होगे। सर मैं गोश्त नहीं भी खाऊंगा मैं फिर भी मुसलमान हूँ, आप नहीं खाएंगे फिर भी। अगर एक को बुरा लगता है माशरे में जिस चीज़ से इंतजार फैल रहा है उस चीज़ से परहेज करो, इस्लाम भी तो ये कहता है कि तुम अगर किसी को बुरा लगती चीज़ तो उसके सामने ना करो। एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, इस बात में मैं एग्री करता हूँ। उनकी भी महागीता जो उनकी किताब है, होली किताब जैसे हमारी कुरान है, उसमें भी एक ही खुदा का जिक्र है, टॉलरेंस उन्होंने भी उन्हीं को भी प्रीच होती है, हमें भी होती है, या लिव एंड लेट लिव, मिल बैठ के रहो। ये नहीं है कि एक दूसरे को मार के क्या पेश हुआ, अब तक पूरी जंगें जितनी भी हुई हैं दुनिया ने अभी तक सीखा नहीं कि जंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर जंगें हमने की है, नुकसान कौन उठा रहा है आज? वो तो तरक्की कर गई, हम ही उठा रहे हैं। बिल्कुल हमने कहीं ना कहीं हम खुद ठीक नहीं है सर। अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट हमारे यहाँ पर भी, अभी कश्मीर के अंदर एक मंदिर है, पुराना मंदिर है जिसकी हिस्ट्री आप कोई हजारों साल लगा लें, उसको भी डिमोलिश करके हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि वहाँ पर कॉफ़ी शॉप बनाएंगे, किसी की इबादत गाँव को तोड़ना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इस्लाम में बिल्कुल नहीं है,
कराची के अंदर दो मंदिर डिमोलिश हुए, गलत बात है, गलत बात है। जब फताह मक्का हुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको कहा किसी को जो अपने घर के अंदर हो जाए जो हथियार डाल दे, किसी को तंग ना करो, किसी को मारो नहीं। तो यार हम लोगों को सबसे बड़ी एग्जांपल नबी पाक की, हम लोग क्यों नहीं उनकी एग्जांपल फॉलो करते हैं? फॉलो कर रहे हैं अपने इस्लाम को, नबी को फॉलो कर रहे हैं? यही वो तो हम कर रहे हैं। अगर हम इतने अच्छे क्या क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के, अफसोस की बात है, नाम के मुसलमान हैं, लेकिन हम सही तरह फॉलो नहीं कर रहे, ये तो बात है। मज़ा तब आए जब क़यामत के रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे ये मेरा उम्मती है, ये बात क्यों नहीं लोग समझते? हम कहते हैं कि आप हमारे नबी हैं, क्या वो भी मानेंगे, हमें ओन करेंगे कि तुम मेरे उम्मती हो? मिलावट हम में सबसे ज़्यादा, वो हम में से वो नहीं जो मिलावट करे, सबसे ज़्यादा हम करते हैं। झूठ हम बोलते, वो मुसलमान नहीं जो झूठ बोले, सबसे बड़े झूठे हम हैं। तो यार हम क्या करें, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें, वो हम में से नहीं जो गलत बात करे, जो वो झूठ तो हो गया, जो गैर ध्यान देते हैं, वादा खिलाफी करें यार, मुनाफिकों की निशानियां देख लो यार, सिंपल सी सारी चीज़ सब हमें। अभी आप अंदाज़ा, आप हैरान हो जाएंगे, सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तानियों को बायकॉट किया। सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पर आते क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी जेलें भरी हुई हैं पाकिस्तानी से, और वो सऊदीया ने कहा है कि भाई भिखारी बेचना बंद करो पाकिस्तान, दुबई ने हमारे वीज़े बैन कर दिए हुए, पता होगा ना आपको। क्या वजूहत है कि हम अपने मुल्कों में, हम तो इस्लामी मुल्क कहते हैं कि एक टाइम होता था पाकिस्तान की बड़ी वैल्यू थी, ना हम पैसे के रहे, ना हम घर के रहे, ना गार्ड के रहे। एटम बम जब हमने बनाया था तो बड़ी वैल्यू थी हमारी।